हेलो दोस्तों, आपके पास लेके आया हूँ एक आंध्रा स्पेशल चिकन करी, जिसको बोलते हैं आंध्रा चिकन करी। देखिएगा कैसे कैसे मैं बनाता हूँ। पहले ले लिया मैं ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने के बाद थोड़ा सा जीरा, धनिया, साजीरा सब कुछ मिला के एक छोटा सा। उसके बाद ग्रीन चिल्ली, इसको अच्छी तरह फ्राई होना है ग्रीन चिल्ली को, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा स्पाइसी लगेगा। उसके बाद ले लूँगा मैं आनियन। आनियन को कुछ भी करके ब्राउन कलर आना है। ब्राउन कलर होने के बाद ही आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दे के, थोड़ा सा सॉल्ट मैं ऐड कर दिया उसमें सॉफ्टनेस आने के लिए आनियन में। तो वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर जरूर कर देना, लाइक भी करना, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट किया तो अच्छा लगेगा, थोड़ा नया नया वीडियो बनाने के लिए। तो मैं डाला हूँ अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला हूँ। इसको थोड़ा फ्राई होने के बाद ही मैं डालने वाला हूँ दूसरा आइटम। आप देख सकते कैसे फ्राई कर रहा हूँ, सबको ही मालूम होगा बट मैं देख लीजिए कैसे फ्राई करके मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं डाल रहा हूँ हल्दी, एक स्पून, बड़ा वाला स्पून जो टी स्पून है उसमें एक चम्मच हल्दी डाल सकते हैं। उसके बाद चिली पाउडर, आप जितना स्पाइसी चाहिए उसके हिसाब से आप डालिए। उसके बाद मैं डाला हूँ गरम मसाला, जो आंध्रा का स्पेशल गरम मसाला होता है, मैं खुद बनाया था। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा कैसे गरम मसाला बनाते, वेराइटी ऑफ गरम मसाला। तो अभी आंध्रा चिकन का जो आंध्रा स्पेशल जो गरम मसाला मैं वो ऐड कर दिया। उसके बाद मैं चिकन ऐड कर रहा हूँ। चिकन को अच्छी तरह मिलाने के बाद देख सकते मैं कैसे मिला रहा हूँ। उसके बाद टोमेटो, थोड़ा सा आलू, पोटैटो मैं ऐड किया हूँ। उसके बाद थोड़ा सा दही ऐड कर रहा हूँ। दही ऐड होने के बाद ना उसको अच्छी तरह मिला दीजिए। मिलाने के बाद उसको ढक्कन डाल दीजिए। 15 मिनट के बाद आपका चिकन रेडी है, कन्फर्म एकदम, देख सकते हो उसका।